हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने जियो फोन नेक्स्ट एंड्रॉइड मोबाइल फोन में आप जो है वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को अपना इनेबल कैसे कर सकते हैं, यानी कि ऑन कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और ये वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग पेज ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज को ओपन कर लीजिए अपने फोन में। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा डिस्प्ले का, डिस्प्ले पे टैप करना है। अब डिस्प्ले के अगले पेज में आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा लॉक स्क्रीन, लॉक स्क्रीन पे टैप करना है। अब लॉक स्क्रीन के अगले पेज में आपको सबसे नीचे ऑप्शन मिलेगा वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन। इस ऑप्शन के ठीक सामने आपको ये बटन दे रखा है, इस बटन को आपको ना टैप करना है, ठीक है। तो ये बटन आपका जो है ब्लू कलर में इस तरीके से ऑन हो जाएगा, यानी कि आपकी वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन सेटिंग इस तरीके से इनेबल हो जाएगी। अब ये सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ही सेटिंग कैसे काम करती है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन जब भी ऑफ होगी ना इस तरीके से, तो अगर आपके मोबाइल फोन पे कभी भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आने पे आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन ऑटोमेटिक ऑन हो जाती है। तो ये सेटिंग जो है ना इनेबल करने के बाद इस तरीके से काम करती है आपकी वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि कैसे आप ये वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन सेटिंग को आप अपने मोबाइल फोन में शॉर्टकट तरीके से कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है, मोबाइल फोन का आपको ये सेटिंग पेज फिर से ओपन करना है स्टार्टिंग से, ठीक है। सेटिंग पेज को फिर से ओपन कीजिए। सेटिंग पेज में आपको है ना सबसे ऊपर ये सर्च सेटिंग का ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर आपको है ना सबसे ऊपर ये सर्च बार में सेटिंग का नेम आपको टाइप करना है वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन, ठीक है। तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन शो हो जाएगा वेक स्क्रीन फोन नोटिफिकेशन का इस तरीके से। यहाँ पर आपको ना एक बात का और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये सबसे ऊपर सर्च बार में सेटिंग का नेम आप टाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आप यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। जब भी ऑप्शन नीचे शो हो जाएगा इसे आपको सेलेक्ट करना है। इससे क्या होता है, आपका मोबाइल फोन आपको डायरेक्टली इस सेटिंग में आपको लेकर आ जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बता दिया है इस सेटिंग को ढूंढने का आपके मोबाइल फोन में।